डिजिटल एप्स ने मनी ट्रांजेक्शन को जितना इजी बनाया है उतना ही रिस्की भी। एक पिन की मदद से कोई भी आपके बैंक अकाउंट से ढेर सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपना बैंक अकाउंट सिक्योर रखें। एक्सपर्ट्स की माने तो समय समय पर अपना पिन चेंज करना इसके लिए एक सही कदम हो सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही डिजिटल ऐप के बारे में जिसका नाम है पेटीएम। दोस्तों, ऐसा कई दफा होता है जब हमारा यूपीआई पिन किसी को पता लग जाता है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है या फिर आपका कोई रिश्तेदार। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी के पर्पस से देखें तो आपका यूपीआई पिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए। इसलिए बेहतर रहेगा अगर किसी को पता लग जाए तो आप उसे तुरंत चेंज कर लें। इस प्रोसेस के साथ सबसे पहले अपने फोन में पेटीएम ऐप खोलें। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ प्रोफाइल आइकन दिखाई देगा, इस पर टैप करें। इसके बाद सेटिंग्स पर टैप करें। अब पेमेंट सेटिंग सेक्शन में सेव कार्ड्स एंड बैंक अकाउंट्स पर टैप करें। आप जैसे ही सेव कार्ड्स एंड बैंक अकाउंट्स पर टैप करेंगे तो इसके बाद आपको वो सभी अकाउंट्स और कार्ड्स दिखाई देंगे जिन्हें आपने अपने पेटीएम से लिंक किया हुआ है। यहाँ आप अपने बैंक अकाउंट्स और पेटीएम बैंक के लिए यूपीआई पिन अपडेट कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम पेटीएम बैंक का यूपीआई पिन अपडेट करेंगे। इसके लिए पेटीएम बैंक पर टैप करें। इसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे जिनमें से आपको क्रिएट न्यू यूपीआई पिन पर टैप करना है। पिन बदलने या रीसेट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड के आखिरी 6 अंक और कार्ड की वैलिडिटी डेट यानी एक्सपायरी डेट दर्ज करनी होगी। इसके बाद नीचे दिए गए प्रोसीड बटन पर टैप करना होगा। अगर आपको आपका पुराना यूपीआई पिन याद है तो आप आई रिमेम्बर माई ओल्ड पिन पर टैप करें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। अब इस ओटीपी को एंटर करें। इसके बाद नए यूपीआई पिन को एंटर करें। यहां आपको नया यूपीआई पिन दो बार डालना होगा। लीजिए, आपका यूपीआई पिन चेंज हो गया है। चलिए अब हम अपना रेगुलर बैंक का यूपीआई पिन चेंज करेंगे। इसके लिए आपको आपके अकाउंट डिटेल्स पर टैप करना है। इसके बाद आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ क्रिएट न्यू यूपीआई पिन पर टैप करें। अगर आपको आपका यूपीआई पिन याद नहीं है तो आप डेबिट कार्ड के आखिरी 6 अंक और कार्ड की वैलिडिटी यानी एक्सपायरी डेट दर्ज करें। और अगर आपको आपका पुराना यूपीआई पिन याद है तो आई रिमेम्बर माई ओल्ड पिन पर टैप करें। इसके बाद आपको पुराना पिन दर्ज करना है। इसके बाद आप अपना नया पिन रीसेट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको नए पिन को दो बार एंटर करना होगा। लीजिए, इस तरह आपके रेगुलर बैंक का यूपीआई पिन भी चेंज हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान प्रोसेस था। अगर आप अपना यूपीआई पिन भूल गए हैं तो भी इस प्रोसेस की मदद से उसे रीसेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी भूले हैं तो बेहतर रहेगा अगर 20 से 25 दिनों के अंदर आप इसे लगातार बदलते रहें। आई नो ये जानकारी टेक्निक को ऑलरेडी अवेलेबल होगी, लेकिन बहुत से लोगों को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप उनमें से एक है तो प्लीज जल्दी जाइए और इस प्रोसेस को यूज कीजिए और अपना यूपीआई पिन रीसेट कीजिए। और ऐसे ही अमेजिंग टेक वीडियो से अपडेट रहने के